दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि वो एसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा है क्यों नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग ssc.nic.in पे जा रहे हैं, वेबसाइट खोल रहे हैं गूगल पे, फिर साइट पे जा रहे हैं, उसके बाद जो अप्लाई सेक्शन है उस पर जाने के बाद सीजीएल के ऑप्शन पे जो अप्लाई का लिंक है उस पर क्लिक करते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, वो खुल ही नहीं रहा है वो लिंक। तो दोस्तों, ये जो है एक सर्वर ग्लिच है। अब क्योंकि एसएससी चाहे जितना भी इम्प्रूव कर ले खुद को, रहेगा तो एक गवर्नमेंट साइट ही ना, पता है एसएससी का क्या मतलब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो थोड़ा सर्वर का इशू एसएससी में रहता ही रहता है। और क्योंकि अभी स्टार्टिंग के एक दो दिन हुए हैं, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर पा रहे होंगे, और ऑब्वियसली एसएससी का साइट हर साल क्रैश करता है मतलब इनिशियली, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा 1 से 2 दिन। और कोई इशू की बात नहीं, बिल्कुल थोड़ा लेट करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है अब एसएससी है। तो इसके अलावा एक काम आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरे वेबसाइट्स होते हैं वो सब भी फॉर्म का एप्लीकेशन का लिंक जन देते हैं अपने वेबसाइट पर, तो अगर सेकेंड थर्ड पार्टी के थ्रू अगर आप एसएससी के लिंक पे जाएंगे तो शायद खुल जाए, तो और आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर फिर भी ना खुले तो टेंशन मत लीजिए, 1 से 2 दिन में सर्वर नॉर्मल हो जाएगा और फिर आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मेहनत करते रहिए, मेहनत शुरू कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि 4 महीने का वक्त है, कम नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आपको प्रॉपरली मैनर में आपको पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना है मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर जल्दी ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।